कपिल शर्मा सुपर डांसर पार्ट टू पर बुधवार को अपनी आगामी फिल्म फिरंगी के प्रमोशन के लिए अतिथि के रूप में दिखाई पड़े हैं। कपिल के लिए यह कार्य काफी उदासीन था क्योंकि सुपर डांसर के लिए वही सेट चुना गया था जो पहले कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के लिए इस्तेमाल किया गया था। कपिल ने बयान में कहा कि हाँ, सुपर डांसर पार्ट 2 के सेट पर मेरे लिए एक पुरानी यादों की यात्रा थी जो कपिल शर्मा शो का सेट भी था, जहां मैं बॉलीवुड हस्तियों, खेल कथाओं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और कई अन्य प्रसिद्ध चेहरे यह मेरे मेहमान थे। कपिल के लिए बच्चों को सुपर डांसर पार्ट 2 पर प्रदर्शन करते देखना एक शानदार समय था। यह एक भावनात्मक और साथ ही एक सुखद क्षण था जब हमने एक महान शो बनाया और पूरे देश को हंसते हुए देखा। फिर भी मैं वापस आना और फिर से मंच पर धूम मचाना चाहता हूँ। जब जजों के पैनल में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, अनुराग बासु और गीता कपूर के साथ बच्चों का परफॉर्मेंस साझा करने को देखना। अगस्त में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने कपिल शर्मा शो से छोटे ब्रेक की घोषणा की थी, जब हास्य अभिनेता शाहरुख खान, अनिल कपूर और सुनील ग्रोवर जैसे मशहूर हस्तियों के साथ एक शूट करने के बाद विवादों को खारिज करते थे। इसके अलावा मार्च में पूर्व सह कलाकार सुनील ग्रोवर के साथ कपिल शर्मा की कथित लड़ाई में भी शो के लिए एक प्रलयवादी परिवर्तन हुआ, जिसके बाद कई कलाकारों सहित अली असगर ने कपिल शर्मा शो को छोड़ दिया। टीआरपी गिरा और इस शो को बड़े झटके का सामना करना पड़ा। अफसोस, यह कपिल शर्मा शो का अंत था। रविवार को सुपर डांसर पार्ट 2 के एपिसोड से कपिल शर्मा की विशेषता हवा में छू जाएगी। इस बीच कपिल शर्मा अपनी 2015 की किस किस को प्यार करूं के बाद दूसरी फीचर फिल्म 24 नवंबर को फिरंगी के रिलीज के लिए तैयारी कर रहे हैं।